सत श्रीकाल जी, पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है अज के बुलेटिन दे विच। यूक्रेनी जनरल ने दसिया कि कीव ते रूसी कब्जा करना आसान नहीं। रूस अते यूक्रेन विचाले जंग लंबी चलती जा रही है, जिसका नुकसान हुन यूक्रेन तो इलावा रूस नू भी हो रहा है। रूसी फौजां 20 दिन तो वध समय तो यूक्रेन ते हमला कर रही हैं, पर अजे तक यूक्रेन की राजधानी तक नहीं पहुंचिया हैं। कीव अते इसके उपनगर हुन तक रूसी हमलों तो लगभग अछूते रहे हैं। रिपोर्टां दसदिया हैं कि कीव दे ज़्यादातर नागरिक शहर छड़ चुके हैं। ये लोग पछमी यूक्रेन जां गुआंढी देशों में जा वसे हैं। बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट विच दस्या है कि रूसी फौज नू कीव तक पहुंचने विच मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। बीबीसी ने इस बारे यूक्रेनी जनरलों नाल चर्चा की है, जो कीव की रक्षा लई जिम्मेवार हैं। कीव की सुरक्षा लई जिम्मेवार जनरलों ने बीबीसी नू दस्या कि वह रूसी बंदूकों नू शहर तो बाहर रखने लई हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जनरल एंड्रियो क्रिश्चेंको ने कहा कि शहर की भूगोलिक अते भूमि साड़ी मदद करती है। टेस्ला दे सीईओ एलन मस्क ने बदलिया अपना नाम। यूक्रेन ते रूस विचाले पिछले 21 दिनों तो जारी जंग रुकण दा नाम नहीं ले रही है। इस दौरान सोशल मीडिया ते काफ़ी सरगर्म रहने वाले टेस्ला दे मुखी एलन मस्क ने अपने एक ट्वीट राही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन नू चेतावनी दिती है, जिस तो बाद उन्होंने अपने नाम ही बदल लिया। दरअसल यूक्रेन नाल चल रही जंग दे विचकार पछमी देशों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन का विरोध किया है। टेस्ला दे मुखी एलन मस्क भी इस लड़ी विच शामिल होए अते सोमवार नू व्लादिमिर पुतिन नू आमनो सामने दी लड़ाई लई चुनौती दित्ती। अजिहे च रूस दे पुलाड़ प्रोग्राम दे मुखी ते चेचनिया दे नेता रमजान कादिरोव दे विरुद्ध तो बाद एलन मस्क ने अपना नाम बदल लिया है। एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ते अपना नाम बदल के एलोना मस्क रख लिया है। नाल ही एलन मस्क ने चेचनिया दे नेता रमजान कादिरोव दी टेलीग्राम पोस्ट का एक स्क्रीनशॉट साझा किया है। व्लादिमिर पुतिन नू चुनौती देने दे मामले विच रमजान कादिरोव ने एलन मस्क का विरोध किया अते उन्हां नू सलाह दित्ती कि वह पुतिन नाल अपनी ताकत की तुलना ना करन। चेचनिया दे नेता रमजान कादिरोव ने कड़े शब्दों नाल कहा है कि जदों व्लादिमिर पुतिन तुहानू सारयां नू हरा देणगे तां एलन मस्क बहुत कमजोर विरोधी दिखाई देणगे। दूजे पासे एलन मस्क का ट्वीट ट्विटर ते तेजी नाल वायरल हो रहा है, जिस ते हुण तक 2,06,000 तो वध लाइक्स दे नाल इस नू 20,000 तो वध वार रीट्वीट किया जा चुका है। नैटफ्लिक्स यूजर्स नू लगण वाला है वड्डा झटका। हुण पासवर्ड शेयरिंग लई देने पैणगे ज़्यादा पैसे। मीडिया रिपोर्टां दे अनुसार अपनियां योजनावां विच एक नवी कीमत वाधे की घोषणा करन तो कुछ हफ्तियां बाद नैटफ्लिक्स ने उन्हां लोकां विच पासवर्ड सांझे करन दे व्यापक अभ्यास नू रोकना शुरू किया जो इक्को घर विच नहीं रहिंदे हन। कंपनी अजिहे लोगों नू नैटफ्लिक्स की वरतों करते रहने लई वाधू फीस अदा करन लई कहेगी। उत्पाद नवीनता दे निर्देशक चेंगाई लोंग ने एक ब्लॉग पोस्ट विच कहा, हालांकि ये बहुत मशहूर रहे हैं, उन्होंने इस बारे कुछ मुश्किल पैदा की थी है कि नैटफ्लिक्स नू कदों अते कीवे सांझा किया जा सकता है। नतीजे वजो खातियां नू परिवार विचकार सांझा किया जा सकता है। ये मैंबरां लई शानदार नवे टीवी अते फिल्मां विच निवेश करन दी साडी योग्यता नू प्रभावित कर रहा है। टेस्टिंग पीरियड दौरान नैटफ्लिक्स 3 देशां चिली, कोस्टा रिका अते पेरू विच इस नू अजमाएगा। उत्थे नवे खातियां प्रोफाइलां नू देखण दी योग्यता नू ट्रांसफर करन तो इलावा गाहकां कोल छोट वाली कीमत ते अपने पैकेजां विच वाधू दर्शकां नू जोड़न दा विकल्प होवेगा। ये काम चिली विच 2,380 CLP, कोस्टा रिका विच 2.99 US डॉलर अते पेरू विच 7.9 पेन लई कीता जा सकता है। संयुक्त राज ने बुधवार नू कहा कि यूक्रेन नू लंबी दूरी दी मिसाइल रख्या अते स्विच ब्लेड हथियारबंद ड्रोन दिते जाणगे, जिस नाल कीव दियां फौजां नू दूरी तो रूसी जहाजां अते शस्त्रां तो बेहतर रख्या करन दे योग बनाया जावेगा। राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन लई ऐलान कीते नवे हथियारां अते उपकरण विच शामिल हन। S-300 लंबी दूरी दी मिसाइल रख्या लई कामिकाजे ड्रोन, एंटीक्राफ्ट स्टिंगर्स, सेंट जेवलिन गन्स, एम्यूनेशन, बॉडी आर्मर, नवे US हथियारों के प्रबंधा विच 7,000 होर एंटी आमर हथियार, हजारा मशीन गन, राइफलां अते ग्रेनेड लॉन्चर, रूसी अते नाटो दे मापदंडा दे अनुकूल 20 मिलियन गोला बारूद अते बॉडी आमर दे नाल हेलमेट दे 25,000 सैट शामिल है। इहो जिही होर जरूरी जानकारी लई जुड़े रहो साडे चैनल दे नाल। सत श्री अकाल।